जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप में से ज़्यादातर लोग जो कि मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, वो जानते होंगे कि यूट्यूब मेरा एक अकेला काम नहीं है जो मैं करता हूँ। मेरा एक दूसरा काम भी है, इवेंट मैनेजमेंट का। तो जब से कोविड की दूसरी लहर आई थी, उसके बाद पहली लहर तो चलिए झेल गए थे, लेकिन दूसरी लहर जब आई, तब दूसरी लहर ने जो ये लॉकडाउन लगवाया, उस कारण से जिस तरीके से हमारी जो लाइन है इवेंट मैनेजमेंट की, इसमें जो चोट पड़ी है, मतलब जिस तरीके से लोगों का काम बंद हुआ, बहुत काफ़ी नुकसान हुआ। क्योंकि लास्ट ईयर लोगों ने जब शादियां नहीं करी थी, फंक्शंस नहीं किए थे, तो इस साल उम्मीद थी कि भाई वो सभी लोग अपना अपना काम करवाएंगे। और ये था भी सीन, मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा काम था, लेकिन हाँ नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ लॉकडाउन लगने के कारण। उसके बाद जो कारीगर लोग होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, जो लेबर का काम करते हैं, उन लोगों को और भी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि सीधी सी बात है वो तो डेली वेजेस वाले लोग होते हैं। लेकिन ठीक है, लॉकडाउन अभी कम हुआ, फिर से दोबारा काम शुरू हुआ है। लेकिन अभी की वीडियो मेरे सामने है, आप पहले तो ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपने देख लिया भैया, ये जो पब्लिक है, खूब सारी भीड़ लगी हुई है, लोग मस्ती मजा कर रहे हैं, ये बढ़िया, मतलब नहा धो रहे हैं, खूब मजा आ रहा है। कुंभ के ऊपर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उंगलियां उठाई थी हालांकि, लेकिन यहाँ पर लोग खूब नहा धो रहे हैं, यहाँ शायद कोरोना नहीं फैल रहा है। अब होता क्या है, लोग तो मानते नहीं है भाई, लोगों को कुछ नहीं समझ में आता। लोगों का काम होता है सिर्फ सरकार की आलोचना करना कि हम सरकार को कैसे भी करके गाली देते हैं। यहाँ पर साले अगर सॉरी गाली नहीं दे रहे, यहाँ पे अगर खुद ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जाहिलों जैसी हरकत, जब आपको पता है बीमारी फैल रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है, उसके बाद भी अगर कोई ऐसी जाहिलों जैसी हरकत कर रहा है, तो आप क्या ही कहेंगे। उसके बाद एक ये वीडियो कल बहुत वायरल हुआ बच्चे का, ये वीडियो मैकडोलगंज का बताया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश, ज़रा आप भी देखिए। अब इस वीडियो में जो बच्चा है, वो जाहिर तौर से बात है, ये लोगों को मास्क पहनने की नसीहत देता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें सामने आई हैं अलग अलग हिल स्टेशन से, अलग अलग घूमने वाली जगहों से, उन जगहों को देखकर भी यही पता चल रहा है कि भाई लोग जो है फुल बेफिक्री से, जैसे कि कोविड खत्म हो गया है, घूमने निकल गए हैं, वंडरलस्ट हो गया है इनको, ट्रैवलर बन गए हैं, ट्रैवल एंथुजियास्ट बन गए हैं। भाई मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जब बीमारी ख़त्म नहीं हुई है, तो आप क्यों अपना और अपनों की जान का रिस्क लेकर ऐसी जगहों पर घूमने जा रहे हैं जहाँ पर भीड़ लगने वाली है। भाई या तो आप में अकल है नहीं, या फिर आप अपने चक्षुओं को खोलकर अकल की तरफ देखना नहीं चाह रहे कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। जब हमको पता है कि भाई अप्रैल मई में हम लोग भीख मांगते हुए, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, हम लोग भीख मांगते हुए फिर रहे थे, कहीं से कोई हमें रेमडेसिविर दिलवा दो, कोई ऑक्सीजन बेड दिलवा दो, लोग ने इंस्टाग्राम की प्रोफाइलों पर दे दनादन, आज यहाँ है, आज वहाँ है। भाई वही लोग क्या लोगों को घर में रहने की सलाह नहीं दे सकते? क्योंकि कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत अच्छा काम किया था कोविड के टाइम पे, लोगों तक मदद पहुँचाने में उन्होंने एक ब्रिज का रोल प्ले किया था, लेकिन वही लोग आज की डेट में घूमने निकल गए। अब जब वो लोग घूमने निकल गए, तो जो उनके अनुयायी हैं भाई, उनकी भी तो इच्छा होगी घूमने निकलने की, तो वो भी घूमने निकल गए। क्या होता है आज की डेट में, लाइक्स की भूख इतनी बढ़ गई है कि इंसान वो काम करना पसंद करता है जिससे कि उसको लाइक ज़्यादा मिले। मतलब कई ऐसे वीडियोज़ आते हैं जिसमें कि लोग दूसरों को खाना भी खाना देते हुए फ़ोटो खिंचवा लेते हैं ना, क्यों खिंचवा लेते हो आप फ़ोटो? आपको पता है ना, आपने गरीब को खाना खिला दिया, तो फोटो खिंचाने की प्रूफ के तौर पर क्या ज़रूरत क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। या सोशल मीडिया पर डालने की क्या ज़रूरत है, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। खैर लोगों का काम तो क्या ही बोल सकते हैं। अब जब इस बच्चे का वीडियो वायरल हुआ, तो भाई सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि इसको रिकॉग्निशन भी मिला। जैसे कि ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल आया है सामने, इस आर्टिकल में लिखा है कि एंटी कोविड फाइट फाइव ईयर ओल्ड धर्मशाला बॉय बिकम्स पुलिस मैस्कॉट। इनको पुलिस ने अपना मैस्कॉट बनाया है, तस्वीर भी शेयर करी गई है जो आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से जब ऐसे बच्चों को रिएक्शन और रिकॉग्निशन मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहीं पर दुख ये भी होता है कि यार एक बच्चे को डंडा लेकर लोगों को समझाना पड़ रहा है, और वाकई में वहाँ पर लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या इन लोगों के पास वो हक है कि वो सरकार की आलोचना कर सकें जब सरकार, जब ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती? क्या इन लोगों के पास वो हक है कि रेमडेसिविर की जब आपूर्ति नहीं हो पाती, तब आलोचना कर सके?
क्या इनके पास वो हक है कि जब ऑक्सीजन बेड नहीं मिलता तभी आलोचना कर सके सरकार की? क्योंकि जब इनका समय था समझदारी दिखाने का तब ये लोग घूमने निकल गए, वो भी बगैर मास्क के। सोशल डिस्टेंसिंग तो मतलब एक सपना है वहां पर, सोशल डिस्टेंसिंग की तो हम बात ही नहीं कर रहे। अरे मास्क तक नहीं पहन रहे यार लोग, सैनिटाइज ऐसे यूज करेंगे जैसे वाह जैसे वो अमृत है। अब मास्क नहीं पहन रहे और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है तो सैनिटाइजर भी क्या ही कर लेगा। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे जानना है आप लोग क्या कहते हैं। ये ध्यान रखिए, मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।